एक आपस में झिप्क्याउँदे मस्ती गर्ने पहिलो अप्रैल को दिनमै यो पटक प्रकृतिले सबैले चकित पारेको छ। गर्मी को महीना मानिने चैत महीना को मध्यतिर सिंहली र राष्ट्रिय आर्यनमा वर्षको तेस्रो पटक हिमपात भएपछि सबैजना अप्रैल फुल भएका छन्। हिजो बेलुकीदेखि परेको हिमपात को कारण विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सन्दकपू तथा फालुट हेर्ने लायक भए पनि स्थानीयहरूले कडा ठण्डा महसुस गरेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। साथमा हिमपातमा पर्यटकहरूले आनन्द लिइरहेको भए पनि आज फर्कने पर्यटकलाई यातायातमा बाधा भएको छ। समाचार तयारी पारिरहँदासम्म हिमपात हुँदै गरेको थाहा लागेको छ। नागालैंड स्टेट डीए 200 गोल्ड मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 1,25,00,000 ग्यारंटीड पुरस्कार टिकट को मूल्य 200 रुपया पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरुबाट। आईलिड क्रीज क्रिएशन और डबल आईलिड सर्जरी और अपर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी या आप बोल सकते हैं मंगोलियन आईलिड सर्जरी या एशियन आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी, ये सब जो टर्म है एक ही टर्म है। आप सिंपली इसको बोल सकते हैं कि जो अपर आईलिड है उसमें अगर आपके क्रीज नहीं है तो हम लोग इस क्रीज को क्रिएट कर सकते हैं। इसी प्रोसीजर को हम लोग डबल आईलिड सर्जरी या एशियन आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी बोलते हैं। ये जनरली आप देखेंगे जो हमारे जो मंगोलियन फेसेस हैं में, जैसे कि जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग अपने दार्जिलिंग और सिक्किम और नेपाल के लोग हैं या इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग हैं, उनके जो अपर आईलिड है उस पर क्रीजेज नहीं होते हैं। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिसके द्वारा कि हम ये क्रीज क्रिएट करते हैं। आपकी जो फेस है उसका जो ब्यूटी है उसको हम लोग इन्हांस कर सकते हैं। आईलिड सर्जरी बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, डे केयर प्रोसीजर में हो जाता है, बहुत ही लो कॉस्ट में हम लोग यहाँ पे करते हैं और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस मिनिमम हैं और आप रूटीन एक्टिविटी सेकेंड डे से ज्वाइन कर सकते हैं। और आप एक छोटी सी सर्जरी से अपने चेहरे का जो ब्यूटी है या जो पेरी ऑर्बिटल रीजन जो आईज की जो ब्यूटी है उसको आप इन्हांस कर सकते हैं। मैं आपको अपने कुछ रिजल्ट्स के बारे में दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं इसमें जो पहले का जो फेस है, जस्ट यू कैन सी, ये पहले का फेस है और ये बाद का फेस है, दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे। जस्ट सिर्फ और सिर्फ हमने आईलिड सर्जरी इसमें की है। तो आईलिड सर्जरी करने के बाद जो फेस का जो डलनेस
या जो हैवीनेस दिखता है पहले वो ख़त्म हो जाता है, मीन्स आप मोर यूथफुल और मोर यंग दिखना शुरू होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है यह सर्जरी कराने में तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।